बॉडी के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इंस्पेक्शन ताकि आगे पहुंचे इंडोमेटिक मटेरियल। इंडोमेटिक मटेरियल जो है हमारे लाइफ के बायोलॉजिकल कोड्स है, इन कोड ये वो कोड है जो हमारी बॉडी के अंदर, इन कोड के जो स्ट्रक्चर है वैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन से हम बनते हैं। हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। हम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए। तो प्रोटीन के कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं? हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं और वो प्रोटीन जो है वो किस तरह के बनते हैं, जिस तरह के क्रोमोसोम्स के अंदर कोड मौजूद है वैसे प्रोटीन बनते हैं और वैसे हमारी बॉडी बनती है। तो कह सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर मौजूद ये धागे जो हैं ये बायोलॉजिकल कोड्स हैं, जो पेरेंट की स्ट्रक्चर्स हैं वो हम में शिफ्ट करते हैं, हमें ट्रांसफर करते हैं। यानी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, एक क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पड़े होते हैं। क्रोमोसोम गॉड लाइक सेल जो कि सेंटर में रहते हैं, उसकी दो आर्म्स होती हैं, उसके आर्म्स में यहाँ पे तीन एरियाज हैं। ये एरिया मैंने आपको बताया था एंडोक्रोमेटिन, ये एरिया मैंने आपको बताया था यूक्रोमेटिन और ये एरिया मैंने आपको बताया था एलोमेरिक जो कि नॉन एसिडिक होता है। अच्छा, इस यूक्रोमेटिन के अंदर वो जीन्स या वो कोड एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्रोटीन हाइली कंटेंट्स में, इसे हम कहते हैं एंडोक्रोमेटिन। अच्छा, ये एरिया जो है इसे एलोमेर कहते हैं, ये नॉन एसिडिक है, इसके अंदर भी वो कोड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होते हैं। बाकी बचता है ये एरिया जिसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, इसके अंदर वो कोड्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ 5% मौजूद होता है। कितना परसेंट होता है? ओनली 5%। अब इस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना हुआ है? थोड़े देर से स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद है, इन प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये धागा लपेटा हुआ है, ये धागा हिस्टोन प्रोटीन और ये धागा जो है इसे हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्रोटीन जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं? डीएनए। इसी वजह से हिस्टोन और डीएनए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा ये धागा जो है आपस में जुड़ा हुआ है। अगर इस धागे को थोड़ा और जूम करेंगे तो पता चलता है कि ये जो है डबल धागा है, सिंगल नहीं है, डबल स्ट्रैंड है। क्या है? डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड का धागा, अगर एक धागे की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये डीएनए जो है ये धागा तीन चीजें मिलकर बना हुआ है। इसमें तीन चीजें होती हैं, सबसे पहले 5 कार्बन की शुगर है जिसे हम पेंटोस शुगर या राइबोस शुगर कहते हैं, दूसरा जो है इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और तीसरा इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होता है। असली धागा है जो मैंने यहाँ पे जूम किया है बड़ा, तो इस तरह ये समझ लें धागा है। धागे के आउटर साइड पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है, बीच में यहाँ पे पेंटोस शुगर या राइबोस शुगर मौजूद होती है और धागे के इस साइड पे जो है नाइट्रोजन बेस होते हैं। बिल्कुल सिमिलर ये भी धागा जो बिल्कुल वैसे ही बना होता है, इस साइड पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा, बीच में पेंटोस शुगर और इस साइड पे क्या होगा? नाइट्रोजन बेस आएगा। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? H3PO4। लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। फॉस्फेट ग्रुप हम कैसे लिखते हैं? PO4 नेगेटिव चार्ज, ये फॉस्फेट ग्रुप है। अच्छा, ये 5 कार्बन की जो शुगर है इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, आज मैं बता रहा हूं। राइबोस शुगर जो है इसकी स्ट्रक्चर ये है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, यहां पे बॉन्ड मौजूद है। 5 कार्बन की शुगर की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या है? C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम है। कहां पे? सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप PO4, PO4 के इस यहां से बॉन्डेड है यहां पे राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। राइबोस शुगर के पहले कार्बन पे यहां पे अटैच है नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट ग्रुप
या फिर राइबोस शुगर और नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पहले कार्बन पे होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो दो तरह के, नाइट्रोजन बेसिस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक प्यूराइन दूसरे नाइट्रोजन। कंफ्यूजिंग है ना, आपकी बुक में थोड़ी इंजरी कम है। प्यूराइन जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डबल रिंग होती है, क्या होती है? और पाइरिमिडिन जो होती है उनकी स्ट्रक्चर जो होती है सिंगल रिंग होती है। ये दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है। प्यूराइन जो है वो दो है, 89 और पाइरिमिडिन तीन है, ठीक है, साइटोसाइन, थायमाइन एंड यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल आरएनए में मौजूद होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे धागा जो होता है ये दोनों धागे आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस 89 है तो सामने क्या आएगा? थायमाइन। क्या आएगा? थायमाइन। यानी 89 के सामने जो है वो थायमाइन आएगा, 89 के सामने थायमाइन आएगा, साइटोसाइन के सामने क्या आएगा? गवानिन आएगा। क्या आएगा? गवानिन। यानी यहाँ पे ये एक धागा समझ में आया, एक दूसरा धागा, ठीक है। दूसरे धागे में यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा? राइबोस शुगर, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे, अगर ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे 89 है, सामने कौन सा आएगा? थायमाइन आएगा, ठीक है। 89 और थायमाइन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, क्या होती है? डबल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे इस साइड पे गवानिन है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइटोसाइन। अगर यहाँ पे साइटोसाइन है तो क्या आएगा? यहाँ पे थायमाइन आएगा। अगर यहाँ पे थायमाइन है तो इस साइड पे क्या आएगा? तो इस तरह 89 जो हमेशा थायमाइन से बॉन्ड बनाता है और गायनिन जो हमेशा साइटोसाइन से बॉन्ड बनाता है। इस तरह ये धागा जो है सेल के कॉइल होता हुआ, सुपर कॉइल होता हुआ इस स्ट्रक्चर में समा जाता है और ये स्ट्रक्चर हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये वो पोर्स है 89, क्या 89 के बाद गायनिन का बॉन्ड है या 89 के बाद साइटोसाइन का बॉन्ड है या 89 के बाद फिर थायमाइन का बॉन्ड है। तो ये फिर बॉन्ड की जो जिप बनी हुई है, जिप की स्ट्रक्चर को देख के ये प्रोटीन्स बनाते हैं हमारे सेल। कैसे बनाते हैं हम अगले टॉपिक में बताएंगे।